नेक्स्ट जो है वो है अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस, या इसे आप ट्रेन फंक्शन एंजाइना भी कह रहे होते हैं। क्रिस्केंडो होता है इसमें, ये क्या होता है अभी हम बताएंगे आगे। तो इसमें क्या होता है कि जो 20% ऑफ जो पेशेंट होते हैं ना, इनको MI हो जाता है, यानी कि हार्ट अटैक जो कहते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो होता है, 4 महीने के अंदर अंदर हो जाता है अगर इस पैटर्न का, यानी कि अनस्टेबल टाइप एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिल रहा है मेरे पेशेंट में। तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 महीने के अंदर अंदर आपको MI के सिम्टम्स आ जाते हैं। तो इन पेशेंट्स को आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली ट्रीट करना होता है, डील करना होता है, ठीक है। ये जो अनस्टेबल होता है, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस पैटर्न का एंजाइना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये आगे जाके कन्वर्ट ईजिली जल्दी हो जाता है MI में, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में। तो इसका जो कैरेक्टर है वो ये है कि इसका जो पेन का जो अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस होता है, ये सडन होता है, रीसेंट एंजाइना होता है, यानी कि अभी ही 60 दिनों के अंदर अंदर ही आपको ये मिलता है, ठीक है। इसका मतलब स्टेबल एंजाइना की तरह था, लेकिन यहाँ पे जो सिम्टम्स होते हैं बहुत सीवियर होते हैं फ्रीक्वेंसी में और ड्यूरेशन में, यानी कि ये बार बार आपको देखने को मिलेंगे और जिसका ड्यूरेशन है वो भी बहुत लंबा देखने को मिलेगा। तो इसी को हम क्रेसेंडो भी बोल रहे थे, ठीक है। ये जो होता है ये आपको रेस्ट पे भी देखने को मिल रहा है और 10 मिनट से ज़्यादा तक इनका पेन रहता है, ठीक है। तो ये प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, अब आप देख रहे हो उस वाले में क्या था, रेस्ट से आराम तो मिल जा रहा था, लेकिन इस बंदे को आराम कर रहा है तो भी इसका पेन स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर तरीके का होता है अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस, और इसमें ना ही उसको रेस्ट से आराम मिलता है, ना ही नाइट्रेट से आराम मिलता है। तो मेनली एग्जाम्स में स्टेबल और अनस्टेबल का डिफरेंस पूछते हैं। तो स्टेबल में आप देख रहे हो ये ब्लड आर्टरीज है, ठीक है, ये वेसल्स है, इनमें ये प्लाक्स का फॉर्मेशन मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिक्स्ड स्टेनोसिस जो होती है वो छोटा हो जाता है, स्टेनोसिस उसी को कह रहे थे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन को स्टेनोसिस कह रहे होते हैं। तो इसका जो स्टेनोसिस होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। इसमें डिमांड लेड डिस्ट्रीमिया होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डायनामिक स्टेनोसिस होता है, ठीक है। यहाँ पे प्लाक रप्चर भी हो सकता है, इसीलिए अनस्टेबल एंजाइना हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आता है वो रहता है पोस्ट इन्फार्क्शन। इसमें क्या होता है, कई बार ऐसा हो सकता है जिनको MI हुआ हो पहले, ठीक है, यानी कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की हार्ट अटैक के अटैक पहले आ चुके हैं, ठीक है, उनको एंजाइना डेवलप हो जाता है 2 से 8 हफ्ते के अंदर अंदर इन्फार्क्शन के बाद। तो इसे हम पोस्ट इन्फार्क्शन एंजाइना पेक्टोरिस कह रहे होते हैं, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ देम हैव मल्टी वेसल्स डिजीज़, ज़्यादातर ये उन लोगों में पाया जाता है जिनको मल्टी वेसल्स डिजीज़ हो रही है, या फिर उनको मायोकार्डियल इस्ट्रीमिया का रेसिडुअल देखने को मिलता है, मायोकार्डियल इस्ट्रीमिया के बाद ये चीज़ देखने को मिल रही होती है हमें, ठीक है। इनमें क्या चीज़ हम मतलब किस तरीके से हम इसे डायग्नोज कर सकते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी से, और अप्रोप्रिएट से हम ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो प्रिंस मेटल एंजाइना है। इसमें जो होता है पेन एट रेस्ट हो रहा होता है, आराम पे भी पेन हो रहा होता है, इसका कोई रिलेशन नहीं होता फिजिकल एक्टिविटी से, ठीक है। आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो नहीं कर रहे हो कोई इसका रिलेशन नहीं होता, लेकिन इसका रिलेशन होता है मॉर्निंग से, सुबह सुबह अर्ली आवर्स में इसका पेन होता है, ठीक है। ये और आपको ये साथ साथ आपको ST एलिवेशन देखने को मिलेगा ECG में, ST एलिवेशन, ST सेगमेंट जो था उसका एलिवेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसको जो रिलीफ है वो नाइट्रेट से मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो पेन हो रहा था वो सडन कोरोनरी स्पाज़म, यानी कि जो हार्ट के जो ब्लड वेसल्स हैं वो जो सप्लाई कर रही हैं उनका स्पाज़म हो जाता है, ठीक है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है सडनली। तो नाइट्रेट्स क्या उसको रिलैक्स में हेल्प करेगा, रिलैक्सेशन में, तो नाइट्रेट से इसको रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। और कोरोनरी आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह भी हो सकता है, हो सकता है स्मोकिंग की वजह से हो, ठीक है। जो स्पाज़म होता है वो अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि जो अल्फ़ा एड्रेनर्जिक एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, इसीलिए अर्ली मॉर्निंग में इसका पेन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। या तो प्लेट एग्रीगेशंस, जो प्लेटलेट्स होते हैं वो एग्रीगेट हो जाती हैं, तो ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स को क्या करेंगी, कंस्ट्रिक्ट कर रही हैं, उसका जो पाथ है वो नैरो कर दे रही हैं, तो उसकी वजह से भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और देयर में भी कोरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ भी हो सकती है, और जो होती हैं अगर कोरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ हैं तो आप इसमें बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे रहे होते इस कंडीशंस में, ठीक है। और नेक्स्ट जो है लास्ट टाइप है वो है नॉक्टर्नल में क्या है, ये इसका जो नॉक्टर्नल नाम से पता चल रहा है, तो इसका जो एंजाइना होगा ये मिडनाइट में हो रहा होता है, ठीक है, आधी रात को उसका एंजाइना का पेन हो रहा था, क्यों, क्योंकि हो सकता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर के साइन हो रहे हो, ये लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो रहा हो जिसकी वजह से पेन हो रहा, या फिर आपने कोई ऐसे ड्रीम्स देखे हो जिसमें आपका इमोशंस का डिसबैलेंस हो जाता है ड्रीम्स में, फिर उसकी वजह से क्या कैटिकोलामाइंस रिलीज़ हो रहे होते हैं, उसकी वजह से चेस्ट पेन हो रहा होता है, ठीक है।
और फुल यूरिनरी ब्लैडर की वजह से या हाइपोग्लाइसीमिया ब्लड शुगर लेवल कम हो जाने की वजह से भी ये पेन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं असेसमेंट ऑफ चेस्ट पेन। अब हमें चेस्ट पेन को असेस भी तो करना होगा ना कि किस ग्रेड का चेस्ट पेन है, उस हिसाब से हम उसकी सीरियसनेस देखेंगे। अगर ग्रेड वन है तो अब उतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है, जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता जाता है उससे उतनी ही ज़्यादा ये पेन है और ये जो सीवियरिटी है कंप्लेन जो है वो बढ़ रही है और उतना ज़्यादा सीरियस कंप्लेन हो रहा है। ग्रेड वन की बात करें तो जो एंजाइना है वो आपने बहुत प्रोलॉन्ग आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, स्ट्रेनस वर्क हो रहा है आपका, तो आपका एंजाइना हो रहा है, तो आप ग्रेड वन में दे रहे हो, ठीक है। अब ग्रेड टू में क्या है, आप फ्लाइट है ना और एरोप्लेन इन सब की जो फ्लाइट्स जो होती हैं उनकी सीढ़ों को भी आप चढ़ रहे हो तो भी आपको पेन स्टार्ट होगा, तो ग्रेड टू। अब ग्रेड थ्री में क्या होता है, आप 100 मीटर के डिस्टेंस ही वॉक कर रहे हो बस और आपको पेन स्टार्ट हो गया, तो ग्रेड थ्री। लास्ट अगर आप रेस्ट ही कर रहे हो आराम पे, वो भी कुछ भी नहीं कर रहे तब भी आपको पेन स्टार्ट हो गया, तो ग्रेड फोर। नेक्स्ट अब हम इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या डायग्नोसिस और क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं हम, ठीक है। क्लिनिक पहले तो कि पेशेंट क्या हिस्ट्री लेकर क्या है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसे पूछेंगे कि पहले कोई चेस्ट पेन या एंजाइना का अटैक आ चुका है, ठीक है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, उससे हमें पता चल सकता है कि हाँ भाई ये एंजाइना का ही पेशेंट है। तो नेक्स्ट उसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे थे, उसमें हम इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, परकशन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें अगर हमें कोई साइन ऑफ IHD मिल सकता है, इस्टेमिक हार्ट डिजीज़ मिल सकता है, या थर्ड साउंड गैलोप रिदम मिल सकता है, या लेफ्ट वेंट्रिकल एनलार्जमेंट मिल सकता है, या सिस्टोलिक मर्मर मिल सकता है, या मिट्रल रिगर्जिटेशन मिल रहा है, ये सारे हम जो स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करें तो हमें ये साइंस देखने को मिल सकते हैं, तो उस हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि ये कौन सी पैथोलॉजी की वजह से एंजाइना पेक्टोरिस हो रहा है, ये पेन चेस्ट पेन क्यों हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं ECG में, तो जो रेस्टिंग ECG जो होती है वो नॉर्मल होती है, ठीक है। ड्यूरिंग एंजाइना क्या होता है कि ST सेगमेंट का डिप्रेशन होता है, अभी मैंने पीछे आपको बताया ST सेगमेंट का डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसे ये किस में मिल सकता है, कौन से टाइप में मिल सकता है, स्टेबल और अनस्टेबल। अगर स्टेबल और अनस्टेबल टाइप का एंजाइना पेक्टोरिस है तो ST सेगमेंट का डिप्रेशन मिलेगा ECG में। लेकिन अगर ST सेगमेंट का, ये आप देख रहे हो ये S है, ये T है, इसका एलिवेशन देखने को मिल गया आपको, तो ये आपको प्रिंस माल टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस होगा और ये अर्ली मॉर्निंग में आपको सुबह सुबह देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर पेन डिसअपियर हो गया, अगर आपने उसको नाइट्रेट्स दी और उसका पेन ख़त्म हो गया, तो आप समझ जाओगे कि स्टेबल टाइप ऑफ था एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। कभी कभी प्रिंस माल में भी आराम मिल जाता है, ठीक है। तो अगर पेन नहीं डिसअपियर हुआ, यानी कि पेन ख़त्म ही नहीं हुआ, आपने नाइट्रेट्स दे दिया फिर भी, तो आप समझ जाओगे कि ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल टाइप का है एंजाइना पेक्टोरिस और ये बहुत सीवियर टाइप का है, ठीक है। कार्डिक एंजाइम्स भी हमें हेल्प कर सकते हैं, ड्रॉप आई, ठीक है। अगर चेस्ट पेन प्लस ECG में ST डिप्रेशन देखने को मिल रहा है प्लस नॉर्मल एंजाइम है, तो आप समझ जाओ अनस्टेबल एंजाइना है। लेकिन अगर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं और ECG चेंजेस मिलते हैं, तो आप समझ जाओ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, यानी कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं, ठीक है। स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, वर्कलोड बढ़ा देते हैं या फिर ऐसा उनको एक्सरसाइज ज़्यादा करवा रहे होते हैं एक टाइम तक, जब देयर इज चेंजेस, जब तक कि एस्टेमिया के चेंजेस या हाइपोटेंशन के चेंजेस या गलोप या फैटीग या डिस्निया के सिम्टम्स ना मिल जाए, तो हम स्ट्रेस टेस्ट कर रहे हैं। इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं, डॉपलर स्टडी कर सकते हैं, या तो हम कोरोनरी एंजियोग्राम कर सकते हैं, अगर हमें कोई ब्लॉकेज देखनी हो कोरोनरी आर्टरी की तो एंजियोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। और हम उससे ये भी पता कर सकते हैं कि किस आर्टरी की प्रॉब्लम या फिर किस वेसल की प्रॉब्लम है, लोकेशन कितनी सीवियर है, ठीक है। थैलाइन टेस्ट भी और स्ट्रेस टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस, क्या क्या और रीज़न हो सकते हैं चेस्ट पेन में जिसके जो मिमिक कर सकते हैं एंजाइना पेक्टोरिस की तरह, तो इसमें सेंट्रल और पेरिफेरल होते हैं, ठीक है। सेंट्रल में कोई भी हो सकता है, एंजाइटी इमोशन हो गया हो, ठीक है। इसका जो पेन होता है वो स्टैबिंग तरह का होता है और इसमें पैल्पेशन देखने को मिल सकते हैं, पर्सपिरेशन, स्वेटिंग होती है बहुत, और कोल्ड लेम्स देखने को मिल सकता है। लेकिन ECG का साइन नॉर्मल है, क्योंकि ये सिर्फ एंजाइटी और इमोशन की वजह से हो रहा है, इसमें कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, तो ECG का साइन, ECG की रीडिंग्स नॉर्मल आएंगी आपको, ठीक है। हो सकता है कोई कार्डियक रीज़न की वजह से हो रहा हो, उसमें MI हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, मायोकार्डियल इस्टीमिया हो सकता है, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, ठीक है, ओटिक का एन्यूरिज्म हो सकता है, GI डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, जिसमें हाइटस हर्निया, इसोफेजाइटिस, पेप्टिक अल्सर, कोलेसिस्टाइटिस, ठीक है। पेरिफ्रल में लंग्स आता है, लंग्स में नीमोथोरैक्स, निमोनिया, TB, पल्मोनरी इन्फार्क्शन, फिर उसके बाद मस्कुलोस्केलेटल, जिसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कॉस्टोकंड्राइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिफ्रैक्चर, ये सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं,
ठीक है। लास्ट आता है मैनेजमेंट, तो अगर ये पेशेंट्स आते हैं तो इनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप, ठीक है। स्पेसिफिक अगर उनकी मैनेजमेंट करनी हो तो क्या करते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स देते हैं, ये क्या होते हैं एनजाइटी रिलीफर्स होते हैं, ठीक है, ये एनजाइटी रिलीफ करते हैं। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स दे सकते हैं, कोगुलेंट्स जो होते हैं ये कोगुलेशन को रोकते हैं, और कोरोनरी वैसोडायलेटर्स देंगे जो वेसल्स हैं उनको डायलेट करें ताकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो, ठीक है। एक्यूट अटैक में नाइट्रेट्स दे सकते हैं, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम, और प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट में प्रिवेंशन भी एक पार्ट है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे आप, लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर दो, क्या करो कि हैवी मील नहीं लो, कोई हैवी एग्जर्शन मत करो, ठीक है, अपने इमोशंस को कंट्रोल्ड रखो, बैलेंस्ड रखो, रेस्ट करो, एक्सरसाइज प्रॉपर करो, ठीक है, और फिर रिस्क फैक्टर्स भी कंट्रोल करो, जिसमें आपको टोबैको छोड़नी है और स्मोकिंग छोड़ना है, ठीक है। हाइपरटेंशन को कंट्रोल करो, तो बीपी कंट्रोल करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स चलाएंगे। डायबिटीज़ को कंट्रोल करो, इसके लिए एंटी डायबिटिक ड्रग्स चलाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और यहाँ हमारा एंजाइना पेक्टोरिस टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट डाउन बिलो करिए, और कोई क्वेरी हो तो भी कमेंट डाउन।